अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आज हम सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में आए हैं और यहाँ पे जो जिस जगह पे हम आए हैं ये कंगन के एडजेसेंट साइट में ही है और इस जगह का नाम है बाबा नगरी। और यहाँ पे जो है आज उर्स हज़रत जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है, तो इसी तकरीबात के सिलसिले में हम यहाँ आए थे। तो हम आज यहाँ के जो लोग या ज़ायरीन हैं उनसे कुछ जानेंगे यहाँ के हवाले से, इस ज़ियारत के हवाले से या हज़रत जी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनके हवाले से। तो आज हमारी कोशिश यही रही गई कि आपको दिखाएं कि हम ये जो ज़ियारत है इसके रिलेटेड, इसके मुतलिक आपको दिखाएं कि यहाँ पे उर्स कैसे मनाया जा रहा है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहा है। और हमारे साथ एक ज़ायरीन है, इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनाब मोहम्मद रफीक। आप कहाँ से आए हो? राजौरी से। राजौरी से आए हो, तहसील थाना मंडी। तहसील थाना मंडी। तो आप हमें बता दीजिए कि आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ आते हुए और आपकी जो अकीदत है या आपकी जो नज़र या आपकी जो अकीदत है इस दरबार के साथ, वो आप हमें बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब से मतलब है मैं छोटी ज़िंदगी में एक बार, हमें रोटी और रिज़्क की बहुत तंगी थी, हमें बहुत गरीबी थी। जब वक्ती बाबा साहब मियाँ बशीर अहमद लार रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे मुर्शिद हैं जी जी, तो जब मैं इनके आगे पेश हुआ था उस वक्त मैं 8-9 साल में था, हमें खाने के लिए कुछ नहीं था जी। जब मैं चला गया वहाँ पर पुलिस थी, बॉडीगार्ड थाना मंडी में जी, बट था, कश्मीरी बट था उसके पास, वहाँ से मुझे लोगों ने फेंका। जब मैंने बोला कोई मेरा ज़रिया होगा तो मैं भी बाबा साहब के बाद दरख्वास्त करूँगा दवा के लिए जी जी, उस वक्त मैं खुद पेश हो गया, हज़रत ने मेरे लिए दुआ फरमाई जी और यहाँ मुझे हाथ रखा जी, बेटे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे 4 भाई सऊदी अरब में हैं माशाल्लाह, तो सब कुछ इन्हीं का सदका है जी जी, अल्लाह पाक ने इनकी दुआओं से हमें नवाजा। उसके बाद मुझे 30 साल हो गए, और भी जो परेशानी आती थी बारगाह इलाही से मांगता था इनकी वजह से, तो अल्लाह अता करता था जी। अच्छा, तो आप हमें बता दीजिए कि आप आज ये यहाँ आए कि कल रात को यहाँ पे ठहरे थे? परसों आया था मैं, 2 दिन हो गया जी जी जी। तो आप यहाँ पे कुछ गुनगुनाना चाहेंगे या इनकी शान में कोई मन कबत या नात शरीफ, जो आपकी मर्जी? इनकी शान में हजरत बाबा साहब के वालिद साहब थे, हाजी बाबा साहब कहते थे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जी जी, उनके मैं शेर सुनाऊँगा जी जी। बिस्मिल्लाह। ਤਜੀਮ ਜੱਜ ਜਿਸਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਕਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਲ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਮੁਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਜਿਸਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੋ ਪਰਵਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਨੀ ਕੰਬਲ ਪੀਰ ਜਿਸਦਾ ਰਾਨੀ ਮਾਇਓਵੇ। ਦੋ ਸ਼ਾਦਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਦ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਵੋ ਸ਼ਾਲਾ ਬੰਦੇ ਖਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੇ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੀ ਬੋਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਮ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਛੋੜ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਰਹੀਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਸੀ ਆਲ ਰਜ਼ੂਗ ਮਨਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਮ ਕਰ ਜਾ ਟੋਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਤੇਰਿਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਜਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਦਸਾਂ ਦਿਲਾਂ ਡੋਲੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕੁਲ ਜਖਾਨ ਹਮ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਜਣ ਅਸਲ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੂਆਂ ਥੋਲੇ ਆਂਦਾ, ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੋ ਬੇਆਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਨੀ ਵਕਫ ਆਪ ਹੈ ਚੱਖੜਾਂ ਚੋਲੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਲ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਰੌਣਕ ਚਮਨ ਵਾਲੀ, ਰੋਂਦੇ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਖਾਲੀ ਉਡਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੇ ਸੱਲਣੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਜ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਈ ਮੈਦਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਜਿਉ ਆਈ ਤਕਦੀਰ ਰੱਬ ਦੀ, ਨਾ ਮਜਲ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ
रह गए। फिर बाबा जी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं शेर में जी जी, ते स्वाद सबर कीता जिन्ना दुनिया ते कर वो जसन गए ने आलियो के, कलमा नफी दा जिन्ना ने विरद कीता नजा वे लड़े नेक ख्यालियो ते नजर पाके जिन्ना दी गैर को नूरा खलिया उथे वसालियो सी, ओ अब्द कबर ओ खाब ख्याल उन्ना मैशर जांदे ओ पाक जमाल ओ सी जी। शुक्रिया जी। आप चूंकि इन जो हम ये तकरीबात मना रहे हैं या जो उर्स हम बना रहे हैं इनका कोई मकसद होता है, तो आपका पैगाम क्या रहेगा इस बारगाह से? ये तो हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह की कमाल है जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं जी जी, जिनका मैज़ार है अंदर जी। ये अल्ताफ़ साहब ने पहले ही हज़रत ने फरमाया था, क्योंकि 4 साल के यतीम हो चुके थे हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह, उनकी कमाल है उनकी कमाई है जी। तो मैंने पहले आपको बोला कि इनकी वजह से इनके सदक़े में हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसालत लेते हैं जी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब बारगाह इलाही में वसीला लेकर दवा करते हैं जी। यही वजह है जब हम वलियों के पास जाते हैं वो हमें हजूर तक मिला सकते हैं, हजूर हमें खुदा संग मिला सकते हैं जी। शुक्रिया शुक्रिया।